Assalamu alaikum. Sound waves. First, what is a wave? A wave is a disturbance that transfers energy from one point to other. Wave एक disturbance है जो कि energy को एक point से दूसरे point तक transfer करती है. For example, अगर हम पूल के पानी में पत्थर फेंकें तो उसके पार्टिकल्स में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, यानी कि उस पानी में वेव्स पैदा हो रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेव्स इन अ रोप एट्सेट्रा. देर आर टू काइंड्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव, अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करते हैं परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स अप और डाउन मूव कर रहे हैं. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वेव्स परपेंडिकुलरली मूव कर रही हैं. द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रफ. ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा जो ऊपर होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे होता है उसे ट्रफ कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेव्स इन अ वाटर, वेव्स इन रोप, वेव्स इन अ स्ट्रिंग. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, a wave in which particles of the medium move back and forth parallel to the direction of wave is called longitudinal wave. Longitudinal wave एक ऐसी wave है जिसमें medium के particles back and forth move करते हैं wave parallel to the direction of wave. The parts of the longitudinal wave where particles are compressed are called compressions, and where particles are spread out are called rarefactions. This is a longitudinal wave. These are called rarefactions and these are called compressions. इसलिए क्योंकि यहाँ इनमें फासला है, ये spread out है, और यहाँ ये कंप्रेस्ड है, इसलिए ये रेयरफेक्शंस हैं और ये कंप्रेशंस हैं. फॉर एग्जांपल, साउंड वेव्स एंड वेव्स इन अ स्प्रिंग. साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इसलिए क्योंकि जब हम बोलते हैं या साउंड प्रोड्यूस होता है, जब हमारे मुंह से जब साउंड बाहर आता है तो जो एयर होती है उसके पार्टिकल्स पर प्रेशर पड़ता है, तो जहाँ पर पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं वो कंप्रेशंस होते हैं, और जहाँ फासला होता है उनमें वो स्प्रेड आउट होते हैं, वहाँ रेयरफेक्शंस होते हैं, तो इसलिए साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. थैंक्स.